हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अनिका। ये है वेस्ट मिडलैंड सफारी का सेकंड पार्ट। इस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखिए, बहुत बढ़िया। आपको इसमें भी एनिमल देखने को मिलेंगे बहुत सारे। और ये देखिए, अब हम आ गए हैं लॉयन के बाड़े में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें भी हमें चार लॉयन दिखाई दिए थे। तो ये देखिए, बाकी के यहाँ पर हैं, सो रहे हैं अभी। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं, ये जाली है, उसमें रखे गए हैं बाड़े में। तो ये लिखा हुआ है, जगह जगह मेंशन है कि इन जालियों में करंट होता है, और यहाँ पे गाड़ी से उतरना या फिर विंडो ओपन करना अलाउ नहीं होता है। और हर एनिमल का सेपरेट बाड़ा है, और बीच में गेट होते हैं। तो अभी मैं आपको गेट भी दिखाऊंगी। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे हम विंडो भी नहीं खोल सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह के गेट होते हैं, जब ये ग्रीन लाइट होती है तभी हम इसको क्रॉस करके दूसरे बाड़े में जा सकते हैं। तो इस तरह के गेट काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। और अब हम आ गए हैं दूसरे बाड़े में। तो यहाँ पे भी देखिए, वाइट लॉयन है, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी आपको भी अच्छे लग रहे हैं ना। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो देख कर आइए कि वेदर अच्छा है या नहीं, क्योंकि बारिश में ये ना काफ़ी दूर से हमको दिखाई देते हैं और शेड में चले जाते हैं कई बारी। तो देखिए, अभी बारिश तो है लेकिन बहुत कम कम है, इसलिए हम यहाँ पे इसे नज़दीक से देख पा रहे हैं। ये देखिए, एक तो हमारी तरफ ही आ रहा है। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि यूके में अगर कोई है आपके फ्रेंड रिलेटिव में से तो वो यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। बहुत बढ़िया जगह है ये। और यहाँ पे अगर आप रुकना चाहते हैं तो रिजॉर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मुझे शायद फोक्स लग रहा है, आप बताइए क्या है। इसका बोर्ड पर हम नाम भी देखेंगे अभी। तो हर जगह ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे नाम मेंशन है, क्योंकि हम कई बार नहीं जानते हैं। देखिए, ढोले है इसका नाम। कई बार हम नहीं जानते हैं कि क्या क्या नाम होते हैं एनिमल के। वाइल्ड एनिमल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे ऐसा सुना है मैंने कि 165 स्पीसीज़ है इस पूरे सफारी में। ये देखिए, अब हम आ चुके हैं हिरण के एरिए में, और यहाँ पर बहुत सारे हिरण हमको देखने को मिले हैं। और ये देखिए, एक तो कितना नज़दीक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए, अब हम इसे फीड करा देते हैं, जो कि हमने बाय किया था ऑनलाइन। और जब हमने एंट्री की थी सफारी में, तभी उन्होंने गेट पर हमको दे दिया था वो फूड। तो अब हम यहाँ पे इसे फीड करा चुके हैं। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में है ये। और ये दूसरी स्पीसीज़ भी आप हिरण की ही है, लेकिन इसको कुछ अलग नाम से बोलते हैं, वो नाम मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मेंशन करिए। अब हम आ गए हैं टाइगर के बाड़े में। तो देखिए, एक टाइगर ये सो रहा है, बाकी के दो और हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी इस वीडियो में। ये काफ़ी दूरी पर है, और अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं हिरण है, भेड़ है, और इसी के सामने यहाँ पे हमें टाइगर का बाड़ा दिखाई दे रहा है। तो दो टाइगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक सामने आप देख सकते हैं। अभी मैं जूम करती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, है ना खूबसूरत। और यकीन मानिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें देखकर। आप भी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। एक तो यही है और एक यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मतलब हमने तीन टाइगर देखे आज। और अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं, भेड़ है और हिरण की दूसरी स्पीसीज है, इसका नाम मुझे नहीं पता। और आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है ये, 4 माइल्स में फैला हुआ है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। ये देखिए, सामने जो आपको एनिमल दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ ऊंट की तरह दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये शायद कैमल की ही स्पीसीज़ है, वाइल्ड स्पीसीज़ है। तो इसका नाम शायद बैक्टीरियन कैमल है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए कमेंट करके। अभी बारिश भी तेज हो गई है, तो चलिए हम आगे के एनिमल देखते हैं, हमें क्या क्या अभी और देखना है। तो यहाँ देखिए, आप एलिफेंट भी अपने शेड में जा रहा है बारिश की वजह से। तो
तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी, अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय।